बिना हनुमान जी के अनुमति से राम जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी मंदिर है वहां हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर जो हनुमान जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, और यहां की जो खासियत है जो राम जी का मंदिर है, वहां दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूरी हैं। और यहां हनुमान जी जो कहा जाए कि पूरे देश में एक अयोध्या में ही हनुमान जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, विश्व विख्यात है ये मंदिर हनुमान गढ़ी। और यहाँ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पर जो हनुमान जी हैं उनसे फिलहाल दर्शन करते हुए नज़र आ रहे होंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से जो दिखा रहे हैं, ये हनुमान गढ़ी का मंदिर, जो बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ हम मौजूद हैं। तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और जो तस्वीर आप लगातार वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान गढ़ी से, जहाँ तमाम श्रद्धालु किस प्रकार से पहुँच रहे हैं और क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि बीते दो दिनों के बाद जो है आने वाले समय में जो है दो दिनों के बाद रामनवमी की शुरुआत होने जा रही है, और उससे पहले किस प्रकार से क्या बता रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है, रामनवमी की क्या तैयारी है? बढ़िया तैयारी है, जैसे रामनवमी होती है हर साल, उसे यहाँ भी होगी, हर साल होती है उससे होगा रामनवमी। माँ भवानी दुर्गा के दिन चल रहा है आजकल। क्या क्या होता है रामनवमी में वैसे? अरे फल भोग लगता है, फिर यही सब होता है, राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा जी, कितने लोग आते हैं? बहुत लोग दूर दूर के आते हैं यहाँ, है ना? हाँ, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा सब आते हैं, बंगाल से आते हैं, आने वालों कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश बात क्या करना है जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि बिना राम जी से, अगर राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलना ज़रूरी है। देखिए, हनुमान जी भी अर्जी लेके जाते हैं राम के दरबार में, वहाँ राम दरबार है, गस्टेड मंदिर है, विश्व के दूसरा स्थान पर ही मंदिर चलता है, माना जाता है। पहला मंदिर कौन सा? पहला मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर राम मंदिर, वहाँ जाना अनिवार्य होता है, चाहे तभी यहाँ का मान्यता होती है। अरे भगवान ही इनको बैठाए हैं, हनुमान जी को गद्दी दिए हैं देख रेख करने के लिए। राजा मालिक मुख्य माना जाता है, न प्रजा मुख्य माना जाता है, हनुमान जी तो इनका वो सेवक है ना, इसलिए। बिल्कुल, तो देखिए ये ब्राह्मण थे हमारे साथ, इनसे सवाल हमने किए हैं, इन्होंने बताया कि जो लोग आते हैं दूर दूर से रामनवमी के अवसर पर, उड़ीसा से, पंजाब से, बंगाल से लोग पहुंचते हैं, और हरियाणा से, तमाम जगहों से। ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं जो है वो दर्शन करके बाहर निकल रही हैं, दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये हनुमान गढ़ी की तस्वीर है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम जो मंदिर में काम चल रहा है और जो रामनवमी की तैयारी है। एक तरफ देखिए कि यहाँ गाया बजाया भी जा रहा है, देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस प्रकार से यहाँ श्री सीताराम नाम संकीर्त भवन है, यहाँ पर हमेशा सीताराम का भजन चलते रहता है। ये प्रसिद्ध मंदिर हनुमान गढ़ी की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ ना हो इस वजह से प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम है। देखिए चारों तरफ जहां नज़र जाएगी प्रशासन के पूरे इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं यहां पर। और ये तस्वीर जो है अयोध्या की, अयोध्या में जो महिलाएं हो या पुरुष हो, तमाम लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और अक्सर यहां भीड़ होती है। और फिलहाल ये तस्वीर हनुमान गढ़ी अयोध्या की है। आपको बता दें कि इसके बाद हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे राम मंदिर जो निर्माण चल रहा है, और निर्माण कार्य में किस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या अयोध्या में जिस तरीके से कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद जो तमाम तैयारियां चल रही थी, और अब दो दिन के बाद रामनवमी है, उसी का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, और वो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे थे। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।